बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ नम्स की तरफ से जो मेरिट लिस्ट अपलोड की गई है उसकी कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नम्स की तरफ से मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस। प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेजेस में नम्स के अंडर जितने भी आते हैं उनमें जिन स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस के लिए अप्लाई किया था तो उनको पता होगा कि फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी गई थी और उसके बाद नम्स की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि अब जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड की जाएगी। मगर आज जो है वो कुछ चेंजिंग्स के बाद सेकेंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हम कह सकते हैं इसको के जो नम्स की तरफ से अपलोड की गई है ये भी जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। जितनी भी इसमें कुछ चेंजिंग्स थी, कुछ एरर थे, ठीक है, उनको जो है वो क्लियर करके दोबारा से जो है वो नम्स की तरफ से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ही जो है वो अपलोड कर दी गई है कॉलेज वाइज ही। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इधर से जो है वो आप अपना जो है वो किसी भी कॉलेज की लिस्ट ओपन करके दोबारा से जो है वो आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका जो है वो नाम किस कॉलेज में आ रहा है। खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ चेंजिंग्स के लिए मेल की थी या जो है वो नम्स से कॉन्टेक्ट किया था। इसके बाद ये नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको जो है वो शो हो जाएंगी। इसमें ज्यादातर जो है वो चीजें आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट मार्क्स काउंट किए जाएंगे 2021 वालों के, ठीक है। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताया गया है कि जो है वो किसी भी किस्म का कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स ना हो, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन ना हो। इसके बाद बताया गया है कि यूनिवर्सिटीज जो है वो वन बाय वन तमाम यूनिवर्सिटीज जो है वो थ्रू मेल और थ्रू जो है वो फोन कॉल तमाम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करेंगी। यानी इसके बाद अब जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट होगी वो कॉलेज जो है वो अपनी तमाम कॉलेजेस अपनी अपनी वेबसाइट पर जो है वो अपलोड करेंगे और थ्रू कॉल्स और थ्रू ईमेल्स जो है वो स्टूडेंट से वो कॉन्टेक्ट करेंगे और 31 जनवरी 2023 तक जो है वो अपने तमाम एडमिशन जो है वो कॉलेजेस अपने एमबीबीएस के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट थी। ये जो स्टूडेंट्स की तरफ से जो कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि ये सर ये मेरिट लिस्ट अपलोड हो गई है, तो ये मेरिट लिस्ट नहीं है। ये आप नीचे देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ओवरऑल मेरिट लिस्ट एमबीबीएस सेशन 2022-23। तो ये जो है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दोबारा से जो है वो अपलोड की गई है कुछ चेंजिंग्स करने के बाद। तो उम्मीद है कि जैसे ही जो है वो 2 जनवरी तक कॉलेजेस की तरफ से मेरिट लिस्ट लगाई जाती है जहाँ जो है वो स्टूडेंट्स से थ्रू मेल या टेलीफोनिक जो है वो कॉन्टैक्ट किया जाता है तो उसके ऊपर भी जो है वो एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाकर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। या जैसे ही जो है वो कॉलेज वाइज लिस्टें लगना शुरू होंगी तो इंशाल्लाह ताला कॉलेज वाइज भी वीडियोस शॉर्ट वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।